नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशा क्लास में। मैं हूं राकेश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस SMS के बारे में जो कि आपको आया होगा वोडाफोन की तरफ से, एयरटेल की तरफ से या फिर आइडिया की तरफ से कि 35 रुपए का रिचार्ज करवाइए वरना आपकी आउट गोइंग कॉल्स जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो आखिर उस मैसेज का मतलब क्या है कि क्या आपने कोई इंटरनेट डेटा पैक मतलब करवाया है 3-4 महीनों का या फिर 12 महीनों का या फिर आपके मोबाइल में मेन बैलेंस पड़ा है 2000 या 200 या फिर 100 रुपए, तो क्या वो अब काम नहीं करेगा उस तारीख के बाद में या फिर वो काम करेगा? और क्या आपको 35 रुपए का रिचार्ज करवाना जरूरी है और क्या उसे जियो में भी करवाना जरूरी है या फिर नहीं? तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। तो अब मैं बात करूँ उस SMS की, तो क्या वो सबको आया है या फिर कुछ लोगों को भेजा गया है? तो वो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा शायद मेरे हिसाब से कि वहाँ पर उसे जो है जितने भी उसके कस्टमर्स हैं, जैसे वोडाफोन के कुछ कस्टमर्स हैं 10, तो उन 10 जनों को मतलब 4 भागों में डिवाइड किया होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा कि भाई के 3-3 जनों को हम मैसेज भेजेंगे या फिर 2-2 जनों को मैसेज भेजेंगे, जैसे भी है। तो मतलब उसे कुछ कुछ लोगों को ही ये मैसेज आया है, सबके पास ये मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर सबके पास ये मैसेज पहुंच जाए तो फिर कस्टमर केयर वालों का क्या हाल होगा वो हम जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या उस मैसेज का मतलब क्या है कि क्या हमारे मोबाइल में अनलिमिटेड डेटा पैक हमने करवाया हुआ है कल ही जैसे करवाया है, तो क्या वो भी नहीं चलेगा, उस पर भी काम नहीं होगा हमारा जो भी काम होता है? तो बिल्कुल वो जो है वो काम नहीं करेगा। आपने भले ही 3 महीने का डेटा पैक करवा लिया है लेकिन वो जो है आउटगोइंग कॉल्स वगैरह वहाँ पर जो होती है वो नहीं होगी। जैसे अगर आप जियो यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 99 का रिचार्ज करवाना होता है मेंबरशिप लेने के लिए, क्योंकि आपको कुछ अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वहाँ पर उसने क्या किया है कि 35 रुपये का रिचार्ज जो है वो मैंडेटरी करवा दिया है कि हर महीने आपको ये रिचार्ज जो है वो करवाना ही होगा। अगर आपने ये रिचार्ज नहीं किया है तो आपकी जो आउटगोइंग कॉल्स है वो बंद कर दी जाएगी और फिर 3 महीनों के बाद में इनकमिंग कॉल्स जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन वो 3 महीनों की बात अगर हम देखें तो वहाँ पर हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे मोबाइल एक सिम पर 3 महीनों तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे हमने 3 महीनों तक उसमें कॉल वगैरह नहीं किया है या फिर कॉल हमने रिसीव नहीं किया, तो वो सिम जो है वो बंद हो जाएगी। रिसीव तो शायद हो जाते हैं लेकिन अगर हमने कॉल किए नहीं किया है किसी को या फिर वहाँ पर रिचार्ज वगैरह नहीं किया है, तो 3 महीनों में वो हमारी सिम जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है और फिर वहाँ से वापस से रीएक्टिवेट करवाई जाती है। अब फाइनली जो भी बात है वो निकल कर आती है कि 35 रुपये का रिचार्ज करना जरूरी है या फिर नहीं। तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आपने कुछ अनलिमिटेड बैलेंस वगैरह जो भी करवाया होगा तो भी आपको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर SMS, इंटरनेट और आउटगोइंग कॉल तीनों के तीनों बंद कर दी जाएगी अगर आपने 35 रुपये का रिचार्ज नहीं करवाया है। लेकिन फिलहाल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि मेरे मोबाइल में भी ये मैसेज आया था लेकिन उसने कहा था कि ये जो है आपकी आउटगोइंग कॉल्स, इंटरनेट, SMS वगैरह बंद कर दी गई है, लेकिन अब जब मैंने इससे कॉल किया तो फिर ये कॉल जो है वो लग रहा था। तो फिर शायद जो है वो मतलब उन्होंने कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं डेट वगैरह की, तुरंत बंद नहीं कर रहे वरना जो है कस्टमर भाग जाएंगे या फिर उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पर और भी जो है कंपनियाँ हैं। अब लास्ट में बात करें कि आपके मेन बैलेंस का क्या होगा अगर आपने वो रिचार्ज नहीं करवाया तो। बिल्कुल रिचार्ज आपको करवाना होगा तभी वो मेन बैलेंस से आपके जो है वो काम हो पाएगा। लेकिन आपने जैसे 1000 रुपये का रिचार्ज करवाया है तो वहाँ पर आपको जो है पहले बैलेंस करवाना होगा, फिर आप जो है उस 1000 रुपये से वो काम कर पाएंगे जो भी आपका हमेशा जो होता रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी वोडाफोन यूज़र के साथ में या फिर आपके घर के आसपास या फिर आप जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो उसको ज़रूर बताइए, क्योंकि 35 रुपये का रिचार्ज करवा लो तो आपका जो वो डेटा है या फिर आपने जो इंटरनेट बैलेंस वगैरह जो भी करवाया होगा वो बच जाएगा, वरना जो है वो सिम पोर्ट करवाने पर भी जो है हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेट वगैरह रहता है अगर आप पोर्ट करवाते हैं तो वो वहाँ पर रह जाता है और आप जो दूसरा सिम लेते हो तो वहाँ पर जो है आपको नया रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो वो जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। फिलहाल आप 35 रुपये का रिचार्ज करवा लीजिए और जब वो प्लान आपका ख़त्म हो जाए तो फिर आप जो है उससे सिम को पोर्ट करवा सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक नीचे लाल बटन आएगा उसे दबा दो ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और उस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि उसके बगैर जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।